दोस्तों साल 2007 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ शो विदाई आज भी दर्शकों के बीच काफी ज्यादा याद किया जाता है। शो में जिस तरह सांवले लड़की के लिए समाज की मानसिकता दिखाई गई थी वो शो को काफी ज्यादा यूनिक बना गया था। इसके साथ ही शो में जिस तरह दो बहनों की खूबसूरत कहानी देखने को मिली थी उसने भी दर्शकों को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया था। लेकिन दोस्तों इस सीरियल को पर्दे पर प्रसारित हुए आज कई साल बीत चुके हैं और इसी वजह से इस शो में काम करने वाले कलाकार काफी बदल चुके हैं, जिसके चलते आज उन्हें एक नजर में देख पहचान पाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको विदाई सीरियल में काम कर चुके कुछ कलाकारों के बदले हुए रूप से आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं उन स्टार्स के बारे में। नंबर 1 आलोक नाथ। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम शुमार है अभिनेता आलोक नाथ का, जिन्होंने इस शो में साधना के पिता की भूमिका निभाई थी, जिनके इस किरदार में इन्हें कुर्ता पजामा पहने काफी सादगी भरे अंदाज में देखा गया था। पर बात करें इनकी आज की तो ये आज 65 साल की उम्र पार कर चुके हैं और अपनी इसी बढ़ती हुई उम्र के साथ आज ये काफी बूढ़े नजर आते हैं। पर इसके बावजूद इन्होंने आज खुद को काफी मेंटेन कर रखा है, जिन्हें अब कुर्ता पजामा पहने नहीं बल्कि जीन्स और शर्ट में देखा जाता है। इसी के साथ बता दे आज ही अपनी पत्नी आशु सिंह और अपने बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं, जहां रहते हुए इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें कुछ समय पहले दे दे प्यार दे फिल्म में देखा गया था। नंबर 2 विभा छिब्बर। शो में साधना की मां की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री है विभा छिब्बर, जिन्हें शो में साड़ी और जूड़ा बनाए हुए एक गृहिणी के रूप में देखा गया था। वहीं बात करें इनकी आज की तो ये बीते सालों में काफी ज्यादा बदल गई हैं, जिन्हें आज सूट और शॉर्ट हेयर मेकअप स्टाइलिश अंदाज में देखा जाता है, जिसके चलते इनका लुक काफी डिफरेंट नजर आता है। बता दें आज भी अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहती हैं, जहां रहते हुए इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें कुछ समय पहले छोटे सरदारनी शो में देखा गया था। नंबर 3 किंशुक महाजन। रागिनी के पति रणवीर का किरदार निभाते हुए अभिनेता किंशुक महाजन नजर आए थे, जिन्होंने इस शो में अपने सिंपल अवतार के साथ दर्शकों का खूब दिल जीता था। वहीं बात करें इनकी आज की तो ये वर्तमान में 35 साल के हो चुके हैं और इस उम्र के साथ ये पहले से काफी स्टाइलिश और हैंडसम हो चुके हैं, जिन्हें अब कुर्ते पजामे में नहीं बल्कि काफी मॉडर्न कपड़ों में देखा जाता है। बता दे बीते सालों में आज दिया गुप्ता से शादी करके दो बच्चों के पिता बन चुके हैं और अपने इसी परिवार के साथ मुंबई में रहते हुए अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, जिन्हें वर्तमान में पांड्या स्टोर में देखा जा रहा है। नंबर 4 सारा खान। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री सारा खान का, जिन्होंने शो में साधना के किरदार को निभाकर खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। बात करें इनकी आज की तो बता दे ये आज 32 साल की हो चुकी है, जिन्हें जहाँ शो में सूट और साड़ी के साथ साथ काफी लंबे लंबे बालों और बेहद मासूम तो भरे अंदाज में देखा गया था, तो वहीं ये आज बेहद स्टाइलिश और गॉर्जियस नजर आती हैं, जिन्होंने अपने इस मॉडर्न रूप से हर किसी को खूब हैरान कर दिया है। वहीं अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो फिलहाल ये अपनी निजी जिंदगी में सिंगल हैं, जो कि वर्तमान में रियलिटी शो लॉकअप में दर्शकों का एंटरटेनमेंट कर रही है। नंबर 5 अंगद हसीजा। शो में आलेख इंद्रजीत का किरदार निभाने वाली अभिनेता अंगद हसीजा और बात करें इनकी आज के बारे में तो बता दे ये आज 37 साल के हो गए हैं, जो जहां शो में काफी सिंपल हेयर स्टाइल और कपड़ों में नजर आए थे तो वहीं आज ये काफी ज्यादा स्टाइलिश बन चुके हैं, जिन्होंने अपने बालों के हेयर स्टाइल से लेकर अपने कपड़ों का स्टाइल सब पूरी तरह बदल लिया है और इसी वजह से ये पहले से काफी हैंडसम नजर आने लगे हैं। वहीं बता दे आज अपनी पत्नी प्रेनिता हसी जा और बेटी के साथ मुंबई में रहते हैं, जहां रहते इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें कुछ समय पहले जिद्दी दिल मानेना में देखा गया था। नंबर 6 पारुल चौहान। शो में रागिनी के किरदार को निभाकर घरेलू नाम बनने वाली अभिनेत्री पारुल चौहान और बात करें इनकी आज की तो बता दे आज अपनी 33 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, जिसके चलते जहाँ शो में इन्हें काफी सांवली लड़की के किरदार में देखा गया था
तो वो वहीं आज इनका रंग काफी ज्यादा साफ हो चुका है, जिसकी वजह से ये बेहद खूबसूरत नजर आती है। इसके साथ ही जहां शो में इन्हें बेहद सिंपल सूट सलवार पहने और हेयर स्टाइल बनाए देखा गया था, तो वहीं अब ये सूट सलवार और साड़ी के साथ साथ काफी स्टाइलिश और मॉडर्न ड्रेसेस कैरी करती है। बता दें ये आज अपने पति चिराग ठक्कर के साथ मुंबई में रहती है, जहाँ रहते हुए आज इन्होंने अपने करियर को ब्रेक दे दिया है और फिलहाल अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय कर रही हैं। तो दोस्तों, आप इन सभी कलाकारों के बदले हुए अंदाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।